अवैध रूप से गौवंश से लदा ट्रक अयोध्या पुलिस ने सीज किया है। ट्रक से 20 गौवंश बरामद किए गए हैं। मौके से 2 आरोपी भी गिरफ्तार हैं। मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई अयोध्या के रोनहुई थाना क्षेत्र की है। मामले में गिरफ्तार आरोपी राजेश फतेहपुर का है, वहीं दूसरा आरोपी बालकृष्ण कानपुर का है। नजीराबाद निवासी पुलिस ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान के तहत की है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि यह पेशेवर गौत सस्कर हैं। मामले की जानकारी देते ही SP ग्रामीण ने बताया कि यह मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी पेशेवर गौत सस्कर हैं और ट्रक सीज करके आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं साबान मलिक की ये खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। थाना रोनाही की पुलिस द्वारा एक और गुड वर्क किया गया है, जो जैसा आप जानते हैं कि जनपद अयोध्या में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधिक के नेतृत्व में लगातार अपराधियों के विरुद्ध सघन अभियान छेड़ा गया। इसी क्रम में थाना रोनाही के प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा हाईवे पे चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुबारकगंज के पास एक सस्पेक्ट गाड़ी जिसपे गोवंशीय पशुओं के तस्करी का संदेह था, इस गाड़ी को चेस किया गया, रोका गया। तो इस गाड़ी पर गोवंशीय पशु अवैध रूप से लदे हुए पाए गए, जिनको तस्करी के लिए, गोहत्या के लिए ले जाया जा रहा था। और इस ट्रक पर 20 गोवंशीय पशु रिकवर हुए हैं। यह ट्रक UP 91T 2811, ये भी मौके से रिकवर हुआ है। और जमा तलाशी ली गई तो मौके से जो पकड़े गए हैं अभियुक्त, उनसे 1930 रुपये और कीपैड मोबाइल सैमसंग की भी बरामद हुई है। जो मौके से मुलजिम अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उसमें राजेश कुमार और बालकिशन, ये 2 अभियुक्त हैं। ये राजेश अशोथर फतेहपुर का रहने वाला है और बालकिशन नजीराबाद कानपुर नगर का रहने वाला है। ये दोनों पेशेवर लोग हैं जो गौवंशीय पशुओं को इकट्ठा करके और उनकी तस्करी करते हैं, जो ये इनकी बाहर ले जा करके और इनको सप्लाई किया जाता है। तो ये एक बड़ा गुड वर्क हुआ है, जिसमें ये ट्रक भी रिकवर हुआ है और 20 गौवंशीय पशु बरामद हुए हैं और 2 अभियुक्त बरामद गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको जेल भेजा जा रहा है।